गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आज रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझने से पहले हमें वाक्य के बारे में जान लेना जरूरी है। बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? बेटा, वाक्य उस सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करता हो। ठीक है बेटा, सार्थक का मतलब होता है बेटा एक मीनिंगफुल अर्थ। ठीक है, मीनिंगफुल, सार्थक यानी अर्थ सहित। ठीक है, और अब देखिए बेटा, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल यानी सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है बेटा संयुक्त वाक्य। देखिए, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का एक अन्य नाम मिश्रित वाक्य है, और मिश्रित वाक्य का ही एक दूसरा नाम भी है जिसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, एक एक वाक्य के डेफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है बेटा? सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो। देखिए बेटा, उद्देश्य एक, कई बार ये जो परिभाषा है ना मुझे थोड़ी सही नहीं लगती, उसमें उद्देश्य एक बताते हैं। उद्देश्य एक नहीं होते, उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहचान किस में करनी, कैसे करनी है? मुख्य क्रिया एक होनी चाहिए। उद्देश्य को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट, और मुख्य क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, यानी जिस वाक्य में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो, एक विधेय हो और मुख्य क्रिया एक हो, तो वो सरल वाक्य कहते हैं उसे। तो जैसे मैंने कहा कि रमेश स्कूल जाता है। ठीक है बेटा, तो रमेश क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है बेटा? जिसके बारे में बात की जाती है। और विधेय क्या होता है? जो उद्देश्य के बारे में बात बताता है उसे विधेय कहते हैं। और क्रिया, कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है। रमेश स्कूल जाता है, तो रमेश क्या है बेटा? यहाँ उद्देश्य। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट यानी विधेय, उसका प्रेडिकेट कहेंगे। और जाता क्या है? जाता है, ये क्रिया है, मुख्य क्रिया। ठीक है बेटा, दूसरा देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? वह वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो किसी योजक से जुड़े हो। देखिए बेटा, दो सरल वाक्य होंगे और वो दोनों सरल वाक्य किसी योजक अव्यय से जुड़े होंगे। ठीक है, वो योजक अव्यय कौन से होते हैं मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं बेटा, उनमें मैं बताऊंगी कौन कौन से योजक अव्यय होते हैं। देखिए बेटा, तीसरा मुख्य भेद देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है बेटा? इसमें एक प्रधान उपवाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं, और वो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। देखिए बेटा, प्रधान उपवाक्य क्या होता है बेटा? मेन क्लोज को हम बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, इसको मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। और आश्रित का मतलब होता है बेटा डिपेंड, उसके ऊपर निर्भर करता है। गौण उपवाक्य किसके ऊपर? प्रधान उपवाक्य के ऊपर। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। तीसरा जो मिश्र जो वाक्य है, मैं आपको एक बार संयुक्त वाक्य के भेद के बारे में बताना चाहती हूँ बेटा। ठीक है, संयुक्त वाक्य के बेटा मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला होता है बेटा संयोजक। ठीक है बेटा, दूसरा होता है बेटा विभाजक, और तीसरा होता है विरोध सूचक। और चौथा होता है बेटा परिणाम। परिणाम होगा बेटा, परिमाण नहीं होगा। कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, परिमाण कर देते। परिमाण का होता है बेटा मापतोड़, और परिणाम क्या होता है? किसी का रिजल्ट या नतीजा। लेकिन संयोजक जो होते हैं बेटा, ये दो कार्य या व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं। और विभाजक का मतलब होता है बंटवारा, यानी इसमें विकल्प होता है, ऑप्शन होता है दो कामों के बीच में, दो स्थितियों के बीच में। विरोध सूचक, ये पहली स्थिति का विरोध करता है। और परिणाम का मतलब होता है बेटा रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए संयोजक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बेटा हम किससे जोड़ेंगे? एंड से, दो स्वतंत्र वाक्यों को। और विभाजक इसको हम जोड़ेंगे और से, और इसको हम जोड़ेंगे बट से। ठीक है बेटा, और जो परिणाम वाक्य है इसको हम जोड़ेंगे सो से। देखिए बेटा, एंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? और कहते हैं, तथा कहते हैं, एवं कहते हैं, वह कहते हैं।
जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम और श्याम भी कह सकते हैं, राम तथा श्याम कह सकते हैं, राम एवं श्याम, या फिर हम कह सकते हैं राम व श्याम। ठीक है बेटा, तो आपने पहचान करनी है एंड, एंड को कहते हैं हिंदी में और। अब देखिए और को हम हिंदी में क्या कहते हैं, या अथवा। जैसे मैं कहूँ कि आप अच्छे से नौकरी करो अथवा छोड़ दो, ठीक है, ऐसे ही बट, बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, पर। ठीक है, मैंने कहा मैंने पिताजी को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माने, ठीक है, तो मैंने पिताजी को समझाया कंप्लीट सेंटेंस है, वह नहीं माने ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों को किसने जोड़ा, परंतु ने, इसलिए कौन से इसकी पहचान क्या है, ये योजक अव्यय है। ठीक है, ऐसे ही सो, मैंने कहा जैसे रमेश कल बहुत बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, रमेश कल बहुत बीमार था, ठीक है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसलिए वह स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं आया, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, और इसको इन दोनों को किसने जोड़ा, इसलिए ने, और इस सो को हम हिंदी में कहते हैं, सो को सो भी कह देते हैं, सो को इसलिए भी कहते हैं, सो को अतः भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में हम आपको मिश्र वाक्य और उनके आश्रित उपवाक्य के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।